हिमाचल हार रही है भाजपा, मोदी जी ने भी यह माना। हिमाचल हार रही है भाजपा, मोदी जी ने भी यही माना है। यही बता रहा है डेरे के चक्कर लगाना और बागियों को धमकाना। चुनाव में व्यस्त हैं प्रधानमंत्री, बागियों को धमकाने में व्यस्त हैं प्रधानमंत्री। कौन आएगा गिरती अर्थव्यवस्था बचाने? पूरा देश छोड़ मोदी जी लगे हैं स्थानीय बागियों को मनाने। मैं आपको संक्षेप में बताना चाहता हूं इस शीर्षक का संदर्भ कि माननीय प्रधानमंत्री जी वीडियो पे बात कर रहे हैं, आवाज़ स्पष्ट है और बड़े स्पष्ट रूप से दबाव डाल रहे हैं और मानसिक रूप से भी दबाव डाल रहे हैं। इमोशनली मानसिक, एक प्रकार से मानसिकता वाली ब्लैकमेलिंग चल रही है बीजेपी के बागी कृपाल परमार के साथ वार्तालाप में, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के फतेहपुर के विषय में, कि आप वहाँ से स्वतंत्र कैंडिडेट न बनेंगे, नहीं बनिए, न बन सकते हैं। ये सब आप वीडियो में देख सकते हैं, ये सब आप अपने आप निर्णय कर सकते हैं कि कितना डेस्परेशन, कितनी घबराहट और बौखलाहट दिख रही है बीजेपी के शीर्षस्थ व्यक्ति में, जिस प्रकार का वार्तालाप उस वीडियो में है। अब इसके पांच बड़े महत्वपूर्ण पहलू हैं, परिणाम हैं, जिनको मैं मुख्य रूप से उसके लिए मैं आया हूं आपके समक्ष। पहला, हमारे मुखर और माननीय और वरिष्ठ प्रधानमंत्री की जो वरीयता की सूची है, प्रायोरिटी लिस्ट, वो दुर्भाग्यवश बहुत उल्टी सीधी है, विकृत है, क्योंकि वो इसमें अपना समय बिता रहे हैं, इस चीज़ में लगे हुए हैं, माइक्रो मैनेज कर रहे हैं, एक व्यक्ति, एक एमएलए, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो आप समझ सकते हैं देश का क्या हाल होगा। दूसरा पहलू कि सुशासन नहीं लेकिन चुनावी प्रचार और चुनावी काम ही सिर्फ सबसे बड़ा प्यारा शब्द है इस सत्तारूढ़ पार्टी और सरकार के लिए, माननीय प्रधानमंत्री के लिए। तीसरा, बड़ा स्पष्ट है कि माननीय प्रधानमंत्री अपना वरिष्ठ स्थान और पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और वो दुरुपयोग स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव के विषय में किया जा रहा है। हमारा मानना है कि ये निर्वाचन यानी इलेक्टोरल दुरुपयोग है, भ्रष्ट निर्वाचन की एक प्रक्रिया है। और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो भी हमारे पास कानूनी अधिकार क्षेत्र हैं, चुनाव आयोग के समक्ष जाना और उसके अलावा अतिरिक्त जो भी हैं, उनका हम इन्वोक करेंगे, उनका हम उपयोग करेंगे। चौथा, इस वार्तालाप से बड़ा स्पष्ट है कि बीजेपी एक घबराई हुई, बौखलाई हुई एक असुरक्षित सी पार्टी है, जो जानती है कि हार उसके सामने लिखी है। पांचवा, हम इस देश के लिए छोड़ देते हैं ये निर्णय करना, ये न्याय संगत निर्णय करना कि क्या इतने ऊंचे पद जो कि प्रधानमंत्री जिस पे बैठे हैं उनको इस स्तर पे जाना चाहिए, इस स्तर की बातें होनी चाहिए, इस स्तर की प्रक्रियाओं में पढ़ना भी चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री, और ये छठा बिंदु भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप गौर फरमाएं कि देश के प्रधानमंत्री यदि चुनाव के दौरान भाजपा से निष्कासित एक बागी नेता को फोन करके चुनाव से हटने का पूरा प्रयत्न कर सकते हैं, जो कि इस वीडियो में बड़ा स्पष्ट है, तो आप समझिए कि चुनी हुई सरकारों को गिराने के लिए विधायकों को बीजेपी के पाले में लाने के लिए क्या कुछ नहीं होता होगा, जिसके अंदर हम जानते हैं, प्रमाणित है पुराने ट्रैक रिकॉर्ड द्वारा कि बीजेपी के पास पीएचडी है, चाहे वो कर्नाटक से हो, महाराष्ट्र से हो, गोवा से हो, मणिपुर से हो, और इसके अतिरिक्त कई और ऐसे मील पत्थर। तो मैं ये कहना चाहूँगा विनम्रता से माननीय प्रधानमंत्री से कि आपको ध्यान देना चाहिए आर्थिक दुर्व्यवस्था पे, सुशासन की तरफ, न कि आप राधा स्वामी सत्संग जाएं ब्यास में। क्यों? क्योंकि चुनाव हिमाचल में, पास में, पड़ोस में होने वाले हैं।
ये सिर्फ आपकी पार्टी का, आपके सिस्टम का भय, घबराहट और बौखलाहट दर्शाता है। ये जाहिर है कि बीजेपी को धर्म और ऐसे डेरे और ये सब मुद्दे तब याद आते हैं जब वोटों की कमी पड़ रही होती है।